हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस और सीसेट पेपर 2 की आज के क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ डाटा इंटरप्रिटेशन। यस, डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर से भी आज हम डिस्कस करेंगे पाई चार्ट। पाई चार्ट इंपॉर्टेंट है, सभी को पता है, ठीक है। तो आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। अभी स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पाई चार्ट है क्या। बेसिकली पाई चार्ट क्या है, जब भी आप पाई की बात करते हो तो माइंड में एक सर्कल आता है ना। हाँ जी, एक सर्कल माइंड में आता है जो कि कुछ कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है ना, तो वही है पाई चार्ट है क्या। बेसिकली पाई चार्ट इज ए सर्कुलर स्टैटिकल ग्राफिक्स विच इज डिवाइडेड इनटू स्लाइसेस। स्लाइसेस के अंदर डिवाइड है, और जो एक एक स्लाइस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं ये एक स्लाइस है, ब्लू पार्ट है, ये एक पर्टिकुलर पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस ग्रीन पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग सम अदर पार्ट, ठीक है। 24% है, ये अलग से आपके पास में एक स्लाइस बनी हुई है। तो इस तरह से अलग अलग आर्क बनी हुई है इसके अंदर, और एक जो पर्टिकुलर आर्क है ऑफ दिस स्लाइस, दिस इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी इट रिप्रेजेंट, कि भी क्या क्वांटिटी को ये रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। हाँ जी, अब देखो ये पूरे का जो पूरा है ये हमारी टोटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। पूरा का पूरा जो सर्कल है दैट रिप्रेजेंट द टोटल क्वांटिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो, अगर मैं कंसिडर कर लेती हूँ कि अपने पास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है एक स्कूल के अंदर 72, ठीक है। तो ये जो 7200 स्टूडेंट है, दीज आर रिप्रेजेंटेड बाई दिस पाई चार्ट। अभी पूरे पाई चार्ट से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि भाई टोटल कितना है, यहाँ पे 7200 है, ठीक है। अब ये जो 7200 है और यहाँ पे ये हमारा क्या है, पूरे का पूरा 100% है। क्या है, 100% है। दैट मीन्स कि दिस 100% इज इक्वल टू 7200। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, कितनी आ गई आपके पास, 72। 1% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 72 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि हाँ जी ये वाला जो पार्ट है मेरा रेड पार्ट, ठीक है, 10%, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, कितने स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, सीधा हम 72 × 10, दैट मीन्स कि 720 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। पॉइंट इज क्लियर। देखिए 1% किसके इक्विलेंट है, 72 के, अभी मैंने आपको बताया, तो ठीक है, किसके इक्विलेंट हो गया 720 के, 9% इज, हाँ जी 9% हो गया आपके पास में 72 × 9, दैट मीन्स कि 648, 25% इज इक्विलेंट टू 1800, 32% विल बी रिप्रेजेंट 32304 स्टूडेंट्स, 24% रिप्रेजेंट 1728 स्टूडेंट्स। क्लियर? यस, बिल्कुल क्लियर है। अब जो वैल्यूज है आपके पास में वो एग्जाम के अंदर परसेंटेज में आ सकती है, और दूसरा क्या है कि ये जो वैल्यूज हैं ये आपके पास में आ सकते हैं डिग्रीज के अंदर, ठीक है। किस तरह से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वैल्यूज है किसमें, डिग्रीज के अंदर। और जब आपका पाई चार्ट डिग्रीज के अंदर वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन दैट केस आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जो टोटल है आपके पास में, यस, जो टोटल है, टोटल किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि जो एंगल है वो कितना होता है, 360 डिग्री है। तो ये पूरा जो टोटल है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 360 डिग्री, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि भाई हमारे पास में 360 डिग्री जो है वो किसके इक्वल है, 7200 के। तो अगर मैं एक डिग्री की बात करूं तो एक डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, यस 20 स्टूडेंट्स के इक्वल हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है, यस क्लियर। अब देखो अगर इसी तरह से अगर हम देखते हैं तो 72 डिग्री जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 20 × 1440, 90 डिग्री विल रिप्रेजेंट, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री रिप्रेजेंट करेगा आपके पास में 1800 स्टूडेंट्स को। 54 डिग्री रिप्रेजेंट करेगा आपके पास में 1080 को। 1 डिग्री 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है, सीधा 20 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 72 डिग्री रिप्रेजेंट करेगा 1440 को। 54 डिग्री, अगेन यहाँ पे 54 डिग्री है, कितना आ जाएगा, 1080, 18 डिग्री विल बी 360। क्लियर? इसमें किसी को कोई भी डाउट? नाउ कम ऑन द क्वेश्चंस, क्वेश्चन से और अच्छे से आपको क्लियरिटी आएगी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, जब भी आपके पास में डाटा टेबल पे क्वेश्चन आता है, पाई चार्ट पे क्वेश्चन आता है, लाइन चार्ट पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, बार ग्राफ पे क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले क्या करना है हमने कि जो आपके इंस्ट्रक्शंस है उनको प्रॉपरली रीड करना है, ठीक है, उसके बाद हमने क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए अपने पास में क्या गिवन है, द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन पब्लिशिंग ए बुक। एक बुक को पब्लिश करने के लिए
जो भी आपके पास एक्सपेंडिचर है उसको डिवाइड किया गया और उसको शो किया गया इन परसेंटेज. ओके, स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट, के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो प्रिंटिंग कॉस्ट है बुक की, दैट इज 20%, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज 10%, पेपर कॉस्ट इज 25%, देन बाइंडिंग कॉस्ट इज 20%, रॉयल्टी इज 15%, प्रमोशन कॉस्ट इज 10%. ओके, अब क्वेश्चन में क्या है, कर इफ फॉर अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बुक द पब्लिशर हैज टू पे 30600 एज प्रिंटिंग कॉस्ट, कर उसने प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी दी है 30600, देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी टू बी पेड फॉर दीज बुक्स, तो उसको रॉयल्टी कितनी पे करनी पड़ेगी. ओके, अब इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो. क्या आपके पास में प्रिंटिंग कॉस्ट गिवन है, देन यू कैन फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट आप फाइंड आउट कर सकते हो और उसके बाद में आप रॉयल्टी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, क्लियर. अब यहाँ पे देखो, दोनों मेथड में आपको बताती हूँ. दूसरा मेथड क्या है कि आपके पास में प्रिंटिंग हमें पता है कि 20% है, रॉयल क्या है, रॉयल्टी कितनी है 15%. दैट मीन्स दिस 20% रिप्रेजेंट व्हाट, 30600. 20% जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 30600 को. 1% किसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, और 15% किसको रिप्रेजेंट करेगा, यस 30600 डिवाइडेड बाय 20 × 50. ओके, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास, इतना ही आ गया. तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 922. ओके, आंसर आ गया, सिंपल है. हाँ जी, दूसरा क्या मेथड है कि आप टोटल वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो, बट ये इजी है, ये इजी है आपका, ठीक है. आप यहाँ पे देखो, अगर हम देखें प्रिंटिंग कॉस्ट, प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी है 20%, दैट मीन्स की 20% ऑफ टोटल वैल्यू इज इक्वल टू 30600, यही कह रहा है, ठीक है. 20% कितना है आपके पास में 30600 के, 20% मीन्स 1/5 ऑफ टोटल इज इक्वल टू 30600. तो यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में × 5, तो कितना आ गया. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, रॉयल्टी की वैल्यू. रॉयल्टी कितनी है 15% है, दैट मीन्स कि जो 15% रॉयल्टी है वो किसके इक्वल आ जाएगी, × 5 × क्या है 15%. ओके, दिखाई नहीं दे रहा, एक सेकेंड. यस, ये है, हमने कर लिया 30, एक सेकेंड, इसको ब्लैक कर लेते हैं, डन. अब इसको कर देते हैं हम, हाँ ब्लू से दिखाई दे जाएगा, रेड कर लेते हैं बेटा, रेड से दिखाई दे जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे देखो 15% किसके इक्वल हो गया, × 5 × 15%. ओके, देखो सेम वैल्यू आ गई आपके पास में, सेम वैल्यू आ जाएगी, वही सेम आंसर आ गया. तो आंसर आ जाएगा आपके पास में 22950. क्लियर, यस. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर कोरस्पोंडिंग टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन रॉयल्टी. तो रॉयल्टी के ऊपर जो आपके पास में एक्सपेंडिचर हुआ है उसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है. तो डिग्रीज में आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, अब यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि रॉयल्टी कितना है 15% है, तो इसका जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना होगा, ये हमने फाइंड आउट करना है. 15% दैट मीन्स कि 15/100, और हमें पता है कि जो टोटल एंगल है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है. तो 360 डिग्री से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, डन. तो ये वैल्यू आ गई आपके पास में, आंसर विल बी 54 डिग्री,
डन। बताइए किसी को कोई डाउट हो इसके अंदर, अगर डाउट आता है इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे। ओके यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, सेम है, क्या है, द प्राइस ऑफ द बुक इज मार्क्ड 20% अबव द सीपी, कह रहा है सीपी से 20% अबव मार्क किया गया है। इफ द मार्क्ड प्राइस ऑफ द बुक इज 180 देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द पेपर यूज्ड इन सिंगल कॉपी ऑफ द बुक, यस दिस इज द क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि मार्क प्राइस कितना है 20% ऑफ द सीपी से 20% अबव है, क्या मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस कितना है यहाँ पे आपके पास में 180 है। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो सीपी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 150, दैट मींस कि जो टोटल कॉस्टिंग पड़ी है एक बुक की वो कितनी है 150 रुपीस की है। अब यहाँ पे कह रहा है कि देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द पेपर यूज्ड इन द सिंगल बुक, अब पेपर की कॉस्ट अगर हम देखते तो कितना 25% है, 25% है, तो पेपर की कॉस्ट यहाँ पे कितनी लगेगी 25%, दैट मींस कि 1/4, क्लियर। तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू कितनी आ गई, यस दिस इज 37.50, ओके सो आंसर विल बी 37.50, क्लियर यस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास, इफ 5500 कॉपीज, इफ 5500 कॉपीज आर पब्लिश्ड एंड द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑन देम अमाउंट्स टू बी रुपीज 8250, डन, देन व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक सो दैट द पब्लिशर कैन अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 25%। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, 5500 कॉपीज की आपको डिटेल गिवन है कि उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस हमें गिवन है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन अगर हम देखते हैं तो कितना है 10% है। अब यहाँ से आप टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हो, हाँ जी 5500 कॉपीज की टोटल कॉस्ट आप फाइंड आउट कर सकते हो, अगर हम टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है तो अब हमें गिवन क्या है, गिवन क्या है हमारे पास में, हाँ जी गिवन क्या है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है 10% ऑफ टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट 8250, ठीक है, दैट मीन्स कि टोटल कॉस्ट ऑफ 5500 कॉपीज विल बी 8250 आ गया, ठीक है। कॉस्ट ऑफ वन कॉपी अगर मैं देखूं तो वन कॉपी कितना आ जाएगा 8250 डिवाइड बाई, हाँ जी कितना क्या आ गया, इसको आप सॉल्व करोगे तो यहां से आपके पास में वैल्यू कितनी आ गई 150 रुपीज आ गई, डन। अब क्वेश्चन ये है कि क्या चाहता है 25% का प्रॉफिट चाहता है तो उसको कितने रुपए में बेचेगा, तो सेलिंग आपको फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस कितना आ गया, हमें पता है सीपी कितना है 150 है, 25% का प्रॉफिट चाहिए, दैट मींस कि 5/4 हो जाएगा, 5/4 कैसे आया देखो 125%, ओके इसको आप सॉल्व करोगे तो अपने पास में वैल्यू आ जाएगी, दिस विल बी 187.50, हाँ जी क्लियर, कोई डाउट इसके अंदर किसी को कर लेंगे ना, देखो ये हो जाएगा आपके पास में दिस इज 5/4, यहाँ से 2 ये हो जाएगा 75, इतना ही, डन यस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रॉयल्टी ऑन द बुक इज लेस देन द प्रिंटिंग कॉस्ट बाय हाउ मच परसेंटेज, अब ऑप्शन में सारी की सारी परसेंटेज में गिवन है, दैट मींस कि हमें परसेंटेज में फाइंड आउट करना है कि रॉयल्टी ऑफ द बुक इज हाउ मच परसेंट लेस देन प्रिंटिंग कॉस्ट। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ, यहाँ से आपको आइडिया मिल रहा है कि हाँ जी हमें फाइंड आउट करना है परसेंटेज के अंदर, ओके अब देखो कुछ स्टूडेंट यहाँ पे आंसर करेंगे कि जो रॉयल्टी है दिट इज दिस इज 15%, ठीक है, और जो आपके पास प्रिंटिंग कॉस्ट है वो कितनी है 20% है, तो 5% आंसर आ गया, बिल्कुल रॉन्ग आंसर है, 5% नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, अब देखो यहाँ पे देखो अगर हम मान के चलते हैं कि जो कॉस्ट है वो कितनी है 100 रुपये, तो रॉयल्टी पे कितना लगा 15, प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी है
20, दैट मीन्स कितना लेस है, 5, कितना परसेंट लेस है, कितना परसेंट लेस है, किससे कंपेयर करना हमने, प्रिंटिंग कॉस्ट से, ठीक है, डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100, कितना आ गया, 25%, सो आंसर विल बी 25%, नॉट 5%, ये ध्यान रखना, ज्यादातर स्टूडेंट इसको 5% करके आएंगे और आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्लियर। हाँ जी, हमने परसेंटेज में लेस फाइंड आउट करना है, कितना परसेंट लेस है, ओके। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हाँ जी, जो भी स्टूडेंट सी सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या सी सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इन दैट केस उन्होंने फाइंड आउट क्या करना है कि हाँ जी कौन सा जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है और उस टॉपिक के अंदर उनको कितनी प्रॉब्लम आ रही है। अब देखो, अभी पीढ़ी आप लोगों के लिए एक पर्टिकुलर कोर्स लेके आए, माइक्रो कोर्सेज, माइक्रो कोर्सेज यू कैन से दीज आर द मॉड्यूल कोर्सेज, ओके, मींस कि आपको जिस टॉपिक में प्रॉब्लम है आप सिर्फ उस टॉपिक को ले सकते हो। देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मुझे तो डीआई के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, मुझे तो पाई चार्ट में दिक्कत आ रही है, उस केस के अंदर मैं सी सेट का कोर्स क्यों लूँ, ठीक है, सी सेट का कोर्स नहीं लेना चाहती मैं क्या चाहती हूँ, तो पाई चार्ट में दिक्कत है, तो फिर मैं पूरे का पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी क्यों लूं, ठीक है। तो अभी पीडीएफ एक बहुत ही फ्लेक्सिबल सिस्टम आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहा है, जिसके अंदर आप सिर्फ पर्टिकुलर टॉपिक को ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आप यहां पे पाई चार्ट की आपको रिक्वायरमेंट है, देन यू कैन टेक ओनली पाई चार्ट, यस। आगे भी आप फर्दर कस्टमाइज कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि पाई चार्ट के अंदर से भी आप चाहते हो मुझे वीडियो लेक्चर्स चाहिए, यू कैन टेक द वीडियो लेक्चर्स, ओके। अगर आप कहते हो कि नहीं कंसेप्ट तो मेरा क्लियर है, मुझे तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, इन दैट केस यू कैन टेक ओनली द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ओके, यस। अगर आपको स्टडी नोट्स की रिक्वायरमेंट है, देन यू कैन टेक द स्टडी नोट्स, ओके। तो इस तरह से आप अपना पर्टिकुलर टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हो। सभी को पता है सी सेट क्वालिफाइंग है, तो हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं कि हाँ जी जिन जिन टॉपिक में से हर बार क्वेश्चन आ रहा है उन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर सिस्टम हो गया आपके पास में, ठीक है जी, डीआई होगी, पजल्स होगी, इस तरह से आप कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक ले सकते हो, ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे थे, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या है, क्या है क्वेश्चन, यस, द बेसिक फ्यूल एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंट्री इज डोमिनेटेड बाई 4 मेजर यूजेस, डोमेस्टिक, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री एंड इलेक्ट्रिसिटी, चार यूजेस के अंदर डिवाइड किया गया है। इन 1992 द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड वाज इक्विवेलेंट टू 600 मिलियन टन्स ऑफ कोल्स, ओके। अब देखो यहाँ पे ये पाई चार्ट है, ये डिवाइड कर रहा है इसको किसके अंदर, इंडस्ट्री, डोमेस्टिक, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, और ये जो फिफ्थ पार्ट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कर रहा है अदर्स को, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो जो डाटा है, डाटा क्या रिप्रेजेंट हो रहा है आपका, डिग्रीज के अंदर रिप्रेजेंट हो रहा है, डिग्रीज के अंदर रिप्रेजेंट हो रहा है, दैट मीन्स की जो टोटल है ये कितना रहेगा, 360 डिग्री, ठीक है, और एक डिग्री की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट मीन्स की जो 360 डिग्री है वो 600 मिलियन टन्स के इक्वल है, ठीक है, दैट मीन्स कि एक डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 5/3 आ गई, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो पहले क्वेश्चन देख, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या है, द एनर्जी कंज्यूम्ड फॉर अदर पर्पजेज इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड फॉर अदर 4 मेजर यूजेस इन 1992 वाज। अब देखो यहाँ पे अगेन हमें सिर्फ परसेंटेज फाइंड आउट करने हैं, मुझे फाइंड आउट कर रहे, दैट मींस कि मुझे रिलेटिव वैल्यू चाहिए, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पे परसेंटेज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब यहां पे करेंगे अदर, ठीक है, अदर, अदर के अंदर जितना भी है, इसके अलावा यहां पे क्या है, फॉर अदर 4 पर्पजेस, जो अदर 4 पर्पजेस है, ठीक है ना, 4 मेजर यूजेस इनटू 100, सिंपल यही चाहिए मुझे। तो एक तो तरीका क्या है कि मैं अदर की वैल्यू निकालूं, भाई 20 डिग्री किसके इक्वल होगा, पहले 20 डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर बाकी कितना बच गया, बाकी कितना बच गया, 340 डिग्री बच गया, और फिर 340 डिग्री की वैल्यू हम फाइंड आउट करें, फिर हम क्या करेंगे, जो अदर की वैल्यू आई है डिवाइडेड बाई अदर मेजर 4 जो वैल्यूज है उनकी इनटू 100 करेंगे। एक तो ये तरीका है, दूसरा यहाँ पे आपको हमें पता है कि भाई कैलकुलेशन के बाद में ये 600 है, 360 डिग्री है, तो सभी के अंदर ही कॉमन रहना, सभी के अंदर कॉमन रहना, कैंसिल आउट हो जाना, आप डायरेक्टली भी तो कर सकते हो ना, कैसे, हाँ जी, यहाँ पे जो अभी मेरे पास में रिक्वायर्ड परसेंटेज होगी वो क्या होगी, अदर, अदर की वैल्यू क्या है, 20, ठीक है, और जो
फोर मेजर यूजेस हैं लाइक इंडस्ट्री, डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसका जो टोटल है वो कितना आ जाएगा आपके पास? 340। अगेन आपको सभी का टोटल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि टोटल कितना होता है, 360। अदर का 20 मैंने माइनस किया तो 340 आ गया। परसेंटेज फाइंड आउट करने इनटू 100, डिग्री से डिग्री कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई आपकी 1/17 × 100, ठीक है। 17 × 5 = 85, दिस विल बी 5.8%, सो आंसर विल बी 5.8%। ओके, यस, कोई डाउट इसके अंदर? कोई भी डाउट इसके अंदर? बिल्कुल क्लियर है, यस। नेक्स्ट देखिए क्या है आपके पास क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस एंड अदर पर्पसेस इन द कंट्री 1992, कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस कितना है। अगेन देखिए, जब हम डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं किसके लिए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए, क्या है आपके पास डोमेस्टिक एंड अदर, सो क्या करोगे? एक तो तरीका ये है कि पहले आप डोमेस्टिक का फाइंड आउट कर लो, ठीक है। डोमेस्टिक का एनर्जी यूज्ड कितना है, फिर हम क्या करेंगे अदर्स का एनर्जी यूज्ड फाइंड आउट करेंगे और फिर उस दोनों को हम फाइंड कर देंगे, ठीक। अब हमें दोनों का अलग अलग फाइंड आउट करना पड़ रहा है। आप ऐसे भी तो कर सकते हो ना कि भाई ये भी डिग्री में है, ये भी डिग्री में, तो जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितने डिग्री का हो गया यहाँ पे आपके पास, 45 डिग्री माइनस 20 डिग्री, दैट मीन्स 25 डिग्री का, ठीक है। अब वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो जो अगर हम डिफरेंस देखें वैल्यूज का, तो कितना आएगा, 25 डिग्री को कैलकुलेट कर लो, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 5/3, ठीक है, हाँ जी, तो इनटू 5/3 आपका आंसर आ जाएगा। और क्या कैसे कर सकते, 25 डिग्री है, डिग्री दैट मींस कि कितने में से, 360 में से, तो 600 में से कितना होएगा, गुणा 600, कितना आ गया, यही तो बोल रही हूं मैं, 5/3, ठीक है। तो आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं, सीधा 5/3 से आप मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा, दिस विल बी 125/3, ये हो जाएगा आपका 41.67 मिलियन टन्स, हाँ जी, 5/3। वैसे भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, देखो 360 डिग्री इज इक्वल टू 600, 1 डिग्री इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाई 360, 12 × 5 = 60, 12 × 3 = 36, कितना आ गया, 5/3। ओके, तो जहां पे भी आपको डिग्री कैलकुलेट करना है तो वहां पे आप सीधा 5/3 ले सकते हो, क्लियर, हाँ जी, कोई डाउट इसके अंदर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द फ्यूल कंजप्शन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट इन 1992 वाज इक्वल टू, हाँ जी, अगेन यू वांट टू फाइंड आउट द डिफरेंस, डिफरेंस फाइंड आउट करना है हमने, किसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है, इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री कितना है 110 डिग्री, ट्रांसपोर्ट कितना है 80 डिग्री, दैट मीन्स कि कितना डिफरेंस आ गया आपके पास में, 30 डिग्री का डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब इस 30 डिग्री की मुझे वैल्यू चाहिए, जो एक्चुअल वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री, 1 डिग्री किसके इक्वल है, 5/3 के, कितना आ गया आपके पास में, 50 मिलियन टन्स, ओके, कितना आ गया, 50 मिलियन टन, 5/3 से आया, क्लियर, कैसे लिख सकते हो इसको, ऐसे भी लिख सकते हो, 30 डिग्री / 30 / 360 × 600, सेम आंसर आएगा, क्लियर, हाँ जी, कोई डाउट इसके अंदर, ओके, नेक्स्ट देखिए, क्या है आपके पास, इफ द रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन 1952 was 350 मिलियन टन, द अमाउंट नल प्राइमरी एनर्जी रिक्वायर्ड वुड बी, हाँ जी, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का कितना गिवन है, 350 मिलियन, ये है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हमने यहाँ पे देखा कितना, 105 डिग्री, ठीक है, 105 डिग्री किसके इक्विवेलेंट है, 350 मिलियन टन्स के इक्विवेलेंट है, दैट मीन्स कि हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि टोटल रिक्वायरमेंट कितनी होगी, टोटल रिक्वायरमेंट आप फाइंड आउट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, 105 डिग्री ऑफ टोटल, जब डिग्री में है ये आपका कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू व्हाट, टोटल इज इक्वल टू कितना गिवन है आपके पास में, 350 गिवन, कितना गिवन है, 350 गिवन, क्लियर, हो गया 7 × 5 = 35,
टोटल वेल्थ वैल्यू कितनी आ गया आपके पास में 1200 मिलियन टन। दैट मीन्स कि जो टोटल रिक्वायरमेंट है वो कितनी आपके पास 1200 मिलियन टन की है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स 1200 मिलियन टन करते भी आंसर करते हैं, बट ऐसा नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है आपने। क्या है क्वेश्चन? द अमाउंट ऑफ एडिशनल प्राइमरी एनर्जी रिक्वायर्ड, एडिशनल कितनी चाहिए मुझे, हमारे पास में टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज कितनी है 600 मिलियन टन तो है, ठीक है, हमें टोटल की रिक्वायरमेंट कितनी है 1200 मिलियन टन की। दैट मीन्स की जो एडिशनल है, एडिशनल कितनी आ जाएगी, एडिशनल रिक्वायरमेंट वो कितनी होगी 1200 माइनस 600, दैट मीन 600 मिलियन टन। ओके, 600 मिलियन टन विल बी द करेक्ट आंसर, ए विल बी द करेक्ट टन। क्या आंसर आ जाएगा? ए आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ओके यस, ये जो अपने पास में जो कोर्स है, दिस इज ए फ्री वार्म अप कोर्स। जिन जिन स्टूडेंट्स को भी लग रहा है कि हाँ जी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन करवा रहे, कुछ समझ आ रहा है, फ्री वार्म अप कोर्स है बच्चे, उसको आप रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर फ्री वार्म अप कोर्स का लिंक अवेलेबल है, आप वहां से इसको रजिस्टर कर सकते हो, दिस इज टोटली फ्री। इसके अलावा प्रीवियस ईयर सीरीज भी अवेलेबल है, उसके अंदर प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है, तो वो सीरीज भी आप रजिस्टर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक अवेलेबल है, दोनों का लिंक अवेलेबल है। इसके अलावा माइक्रो कोर्सेज का भी लिंक अवेलेबल है कि आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में अगर प्रॉब्लम आ रही है, देन इन दैट केस यू कैन टेक दैट टॉपिक ओनली। ओके यस, क्लियर है सभी को? कुछ नहीं करना, जस्ट उसके अंदर क्या करना है आपको, 100% डिस्काउंट का आपके पास में एक बटन आ रहा होगा, उस बटन पे क्लिक करेंगे, इन दैट केस यू विल रजिस्टर योर सेल्फ, और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। हाँ जी, और वहाँ पे आपको हर एक लेक्चर विद पीडीएफ अवेलेबल होगा, और जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं इसके अंदर हमने अभी तक करवाए हैं, वो सारे के सारे लेक्चर पोर्टल पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे विद पीडीएफ। ओके यस, और प्रीवियस ईयर सीरीज को अगर आप ज्वाइन करते हो तो उसके अंदर आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैंने आपको करवाए वो सारे के सारे लेक्चर्स भी आपको एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर मिल जाएंगे विद पीडीएफ एंड टेस्ट। यस, दोनों अवेलेबल है उसके अंदर, पीडीएफ एंड टेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ओके यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे है हमारे पास में, इफ इंस्टेड ऑफ कोल ऑयल हैज बीन यूज्ड इन इंडस्ट्री पर्पज, कह रहा है इंडस्ट्री के अंदर ना अभी हमने कोल यूज नहीं करना, उसकी जगह पे क्या यूज करना है, ऑयल यूज करना है। एंड इफ वन टन ऑफ कोल इज इक्वलेंट टू 3/4 टन ऑफ ऑयल, देन व्हाट अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ ऑयल विल बी रिक्वायर्ड इन द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के अंदर अप्रोक्सीमेट ऑयल की रिक्वायरमेंट बता। पे देखो कोयल यूज करना है, अब यहाँ पे कोयल यूज हो रहा था, कोयल की जगह पे ऑयल यूज कर, कोल देखो अब इंडस्ट्री के अंदर हमने चेक कर रहे हैं कि कितना कोल यूज हो रहा था, सबसे पहले कितना कोल यूज हो रहा है, 110 डिग्री कोल यूज हो रहा है, दैट मींस कि इंडस्ट्री के अंदर टोटल अगर हम कोल की बात करते हैं तो कितना यूज हो रहा है 110 डिग्री, एक डिग्री किसके इक्विवेलेंट था 5/3 के, अभी कैलकुलेट नहीं करना, सिंपल 5/3 लिख लो। ओके, हमें पता है कि हमें ऑयल फाइंड आउट करना है, और एक टन ऑयल किसके इक्वल है 3/4 टन, सॉरी वन कोल किसके, वन टन ऑफ कोल किसके इक्विवेलेंट है, यहाँ पे गिवन है ना, वन टन ऑफ कोल इज इक्वलेंट टू 3/4 टन ऑफ ऑयल, और हमारे पास कितना है, कितना है, दैट मीन्स कि इंडस्ट्री के अंदर जो यूज हुआ है कोयल वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 3/4 × 110 × 5/3, ठीक है। यस, ओके, तो ये वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, दिस विल बी 137.50 मिलियन कोल, तो आंसर क्या आ जाएगा 137.5 मिलियन कोल, ठीक है। हाँ जी, ये क्या है, यस ये क्या है, कोल नहीं है, दिस इज ऑयल, डन। कोल कितना है, ये क्या है, कोल इंडस्ट्री का, बताओ कोई डाउट? हाँ जी, किसी को कोई भी डाउट हो, माइनर सा भी डाउट होता है ना, इन दैट केस कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, कोई हेजिटेशन नहीं करनी है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, अगर कोई इश्यू आ रहा है रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। वैसे तो कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपने क्या करना है
की कमेंट्स आपके पास में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक अवेलेबल है, लिंक पे जाना है और वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। क्लियर? हाँ जी। अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो कहीं ना कहीं हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, कुछ ना कुछ समझ आया है यहाँ से आपको, इन दैट केस लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करेंगे सो दैट कि जितने भी वीडियोस आगे आती है फर्दर उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। इट वॉज ऑल फॉर टूडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। बेस्ट ऑफ लक।